जी हम कॉल करने लगे हैं दुआ मलिक को, सुरेदा की वाइफ को, और आज टेस्ट होने वाला, लव टेस्ट, ट्रस्ट टेस्ट होने वाला कि दुआ मलिक कितना ट्रस्ट करती है सुरेदा पे। आपने गड़बड़ा देना है कि मैं बेइंतहा प्यार करती हूं। कौन? दुआ बात कर रही हैं जी? सुहेल की वाइफ जी। फरमाइए। दुआ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जी फरमाइए। दुआ, मैं क्या कहते हैं, सुहेल ने शायद कभी जिक्र नहीं किया होगा मेरा, लेकिन उनकी लाइफ में एक और लड़की हूँ, मैं हूँ। और क्या कहते हैं, मिलते हैं, घूमते हैं हम लोग, व्हाट्सएप पे हम बात करते हैं। मतलब वो कहते हैं कि मुझे कॉल नहीं किया करो, तो उन्होंने अलग से नंबर ले रखा है। तो जाहिर है अब रिलेशन में है, तो रिलेशन ऐसे ही तो नहीं खत्म कर दूंगी मैं। अब मैं भी चाहती हूं। नाम क्या था आपका? एक सेकंड, नाम क्या था आपका? मेरा नाम मुस्कान है। मुस्कान जी। दुआ, तो दुआ अच्छा, बस मैं यही चाह रही थी। देखे, मैं आपको हर्ट करना नहीं चाह रही, आपकी जगह लेना नहीं चाह रही, बस मैं अपनी थोड़ी सी जगह बनाना चाहती हूँ आप दोनों की लाइफ में और आपके बच्चों की लाइफ में। मैं बेटा, मेरी जगह तो कोई ले भी नहीं सकता पहली बार। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना, सिर्फ हम लोग मिले, घूमे फिरे, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मैं भी चाहती हूँ मेरी एक लाइफ हो, और मैं भी शादी करूँ, मेरे बच्चे हों उनके साथ, हम मिलके रहें साथ, तो ऐसा नहीं हो सकता। कहाँ रहती हो बेटा? मैं घर पे रहती हूँ। अब मैं आपको घर का एड्रेस तो नहीं बता सकती। घर का एड्रेस तो नहीं बता सकती, मगर जब मैं रिश्ता लेने आऊंगी तुम्हारा, तो एड्रेस तो बताना पड़ेगा ना। आप मान गई हैं? आप एक लड़की हो ना, अगर आपका दिल है, आपकी ख्वाहिश है, तो मैं कराऊंगी आपकी शादी। आप मुझे बताएं आप कहाँ रहती हैं? आप पहले शादी करा दें, फिर मैं अपने घर वालों को आपके ही घर लाके मिलवाऊंगी, क्योंकि हम साथ रहेंगे ना। क्या उम्र है तुम्हारी बेटा? 26 की हूँ। तो तुम्हें मेरे बारे में पता है? जी मैं जानती हूँ, मुझे पता है आपका। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करूँगी तुम्हारे साथ? बस ये ना हो कि आप उनको मुझसे दूर कर दें, कस्में वगैरह दे दें अपने बच्चों की, तो मेरा तो फ्यूचर बुढ़िया मेरी जान, तुम जहाँ बैठी हो ना, मैं उधर से आके तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल के ना तुम्हें ऐसी जगह छोड़कर आऊंगी कि तुम्हें समझी, और मैं हरकत तुम्हारे पूरे मोहल्ले के सामने करूंगी। हाँ तो क्या मैं आपसे डरती हूँ? मेरे पास सुहेल है। तुम्हारे बाप को भी घसीटूंगी, तुम्हारी माँ को भी घसीटूंगी। पिक सेंड करूँ हम दोनों की? क्या पिक्चर सेंड करूँ हम दोनों की? बोले पिक्चर सेंड करो मेरा बच्चा, जल्दी से करो। अभी मेरे साथ है ना, बात कर ले, पिक्चर्स की क्या बात है, कराते हैं हम बात। और अगर उन्होंने बोला कि वो मुझसे प्यार करते हैं, फिर तू जहाँ पे है ना, मैं वहाँ आके तुझे बताऊंगी जानी। अच्छा, और फिर जहाँ आप है ना, वहीं शादी कर आऊंगी मैं भी। बात कराओ। सुहेल बोले इनको, तुमने को फोन क्यों मिलाया? क्या मतलब, मैं ऐसे ही रहूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। मना किया था मैंने कॉल करने को, इतना डर था तो क्यों? 6 महीने से बात किए। दुआ, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है लड़की, तुम इसकी एक बात के ऊपर भी यकीन ना करना। अरे ये झूठे इंसान है, झूठ बोल रही है। 6 महीने से मेरे साथ घूम रहे थे तब नजर नहीं आया था तो मुझे ब्लैक किया। अरे चुप करें आप दोनों, मैं दुआ समझाने आया था, मैं इसको समझाने आया था। आपसे इतनी महंगी लग रही है सरेन, ये कैंपर कैंपर किस्म की तो कोई भी लड़की है। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, इसने मुझे ऐसे इतना ब्लैकमेलिंग इसने स्टार्ट कर दी है, इसने मुझसे दुआ जो कपड़े हम बांटते हैं हमारी एनजीओ है। हाँ तो ये खुद दे, जो गरीबों में कपड़े बांटते हैं किसी और को दे दें आप। दुआ जो गरीबों में घर आया आके घुस गए यार, ये एक गरीब लड़की है, ये इसकी मदद करके अच्छी तरीके से, इसको तो मैं इधर ही सीधा करके आता हूँ। तुमने कौन कैसे बुलाई मेरी बात करेंगे? मैं इसको किया वहाँ क्यों लेकर आऊँ? देखे नहीं लेकर आ रहा हूँ। हेलो 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 भाभी, वो कॉल ही काट दी भाई। अभी क्या हो गया, ब्लड प्रेशर बहुत ही हाई हो गया। भाई मुझे ना पिटवाइएगा, मैंने वापस घर जाना है। आप क्या हुआ? हेलो हेलो, मैं बोल रहा हूँ जैन जैन कटाकट शो से। हेलो, पागल पागल तो नहीं है? देखिए बीवी मेरी जिंदगी में, मेरे शो में आया हुआ है। इसने मुझे बोला कटाकट बनाते, मैं कसम खुदा की किसी और का बना रहा था, इसने मुझे बोला यार दुआ का बना दो। सॉरी जहर लग रहा है सर। बीबी आई लव यू यार, आई लव यू, आपको मेरा पता तो है यार। यार मजाक किया था भाभी जी। और ये लड़की कौन है जरा इसको जरा लेकर आ जरा। मिलेंगे टिकटॉक बनाएंगे। ये एक टिकटॉकर है बहुत अच्छी, और यही सब कुछ कर रही थी बातें बातें, और प्लान मेरा था, और उकसाया मुझे सुहेल ने था। हाँ, इन्होंने किया था। मगर मैं ऐसे थोड़ी करते हैं, बंदे की इमेज होती है लोगों के सामने, लोग समझते होंगे मैं डिसेंट सी हूँ। यार ये गलत हो गया ना, सीन हो गया।
देखो जो बीवी होती है ना वो बीवी होती है, वो डिसेंट नहीं होती। अच्छा मेरी बात सुने, अगले एपिसोड में आप क्या है कटाकट में? अरे मैं किसका कटाकट बनाऊंगी? अरे वो मैं दूंगा लिस्ट, मेरे पास पूरी लिस्ट है कटाकट की। हम का कटाकट बनाएंगे हम यहाँ बैठ के। थैंक यू सो मच, मैं दोबारा कॉल करूंगा। अच्छा आपके लिए कुछ लेकर आऊं, कुछ मीठा कुछ ठंडा लेकर आऊं आते हुए? नहीं जानू, आज आप आए, आपको मैं खिलाती हूँ। ओके ठंडा, चलो ओके, अल्लाह हाफिज़।